पुलिस कांस्टेबल 60244 भर्ती के री एग्जाम की आप सभी लोग तिथि का इंतजार कर रहे हैं, एग्जाम डेट का वेट कर रहे हैं। तो इसी बीच में बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि भैया हम लोग फिजिकल कब से स्टार्ट करें, क्योंकि बीच में जब इसमें हमें समझ में आ गया था कि जब ये भर्ती दिसंबर में आई, जनवरी में की एग्जाम जल्दी लेने वाले हैं, तो हमने ये कहा था कि भाई अभी आप फिजिकल पे उतना गौर मत कीजिए, अभी आप पढ़ाई लिखाई पे गौर कीजिए, फिजिकल के लिए समय मिलेगा और इतना भारी फिजिकल नहीं है कि आप लोग मतलब इसके लिए उसेन बोल्ट से तैयारी करनी पड़े। तो वो मतलब बच्चों ने फिजिकल कम किया, लेकिन अब हमारे पास समय है तो हमें थोड़ा सा लगता है कि फिजिकल की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भर्ती जब इसका री एग्जाम होगा उसके बाद में रिजल्ट आने में और उसके बाद में साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर दौड़ होने में ज्यादा समय शायद ना मिले। तो हल्के फुल्के एक्सरसाइज, कम से कम स्टेमिना बनना, ये तो आपका अभी से शुरू हो जाए। तो साथियों, मैं आपको शारीरिक दक्षता और शारीरिक मानक दो परीक्षाएं ध्यान दीजिएगा। शारीरिक मानक का मतलब होता है आपकी जो लंबाई होती है, पुरुषों की लंबाई और चेस्ट का मापन, महिलाओं की लंबाई और महिलाओं के वजन अर्थात वेट का मापन होता है। फिजिकल एफिशिएंसी दक्षता का मतलब है दौड़, कि आप दौड़ भाग में कितने तेज है। ये दोनों काम सबसे पहले क्या होता है कि आप साथ ही एक ऑफलाइन पेपर दोगे, ओएमआर आधारित एग्जाम दोगे, उसके बाद में एक मेरिट आएगी। उसके बाद में क्या आएगी, यहां पर एक पहली मेरिट आएगी, इस बात को आप समझ लें, इसे बोलेंगे मेरिट वन, जिसमें आपको डीवी और साथ ही मापन के लिए बुलाया जाएगा, नाप तोल के लिए। तो आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, उसमें ऐसी मतलब पूरा वो ग्रुप बैठा रहता है, बोर्ड बैठा रहता है, आप सब लोग जाते रहते हैं अपने फाइल में अपने, उसमें आपके फॉर्म डॉक्यूमेंट, भाई आपने 10वीं 12वीं कैसे किए सब, और वही आपकी चेस्ट का मापन, और वो मशीन होती है हाइट का मापन, पहले हाइट का मापन होता है फिर चेस्ट का मापन, पहले एक सिंपल फिर साथ ही फ्लाव के साथ। इसी तरह जब महिलाएं जाती हैं तो महिलाओं की हाइट का मापन होता है और महिलाओं के वेट का मापन होता है, पुरुषों के वेट का मापन नहीं होता। उसके बाद में जो इसे क्लियर करते हैं, जिनके डीवी और ये सब है, फिर से एक बार एडमिट कार्ड आते हैं, फिर से एक बार साथ ही एडमिट कार्ड आते हैं, इसके भी एडमिट कार्ड आएंगे याद रखिएगा, डीवी के, और फिर आपको रनिंग के लिए बुलाया जाता है, और जो रनिंग में क्वालिफाई हो जाते हैं वहीं पर उनपे साइन करा लिया जाता है, वहीं पे नाम के आगे जो रनिंग में क्वालिफाई होते हैं, फिर साथ ही आपकी फाइनल मेरिट लगती है, उसके बाद में मेडिकल। तो यहां पर आप समझेंगे, पहले आप महिला और पुरुषों की हाइट वगैरह समझ लीजिए। यदि आप जनरल ओबीसी या एससी समुदाय से हैं तो पुरुषों की हाइट 168 सेंटीमीटर, महिलाओं की हाइट जनरल ओबीसी एससी 152 सेंटीमीटर। यदि आप पुरुष एसटी समुदाय से 160, महिला एसटी समुदाय से हैं 147। इसी प्रकार पुरुषों के चेस्ट का मापन जनरल ओबीसी एससी के लिए 79 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 77 सेंटीमीटर और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फलाव होना चाहिए, ठीक है भैया। जबकि महिलाएं जो होती हैं उनका साथी किसी भी कैटेगरी में हो, न्यूनतम कम से कम 40 किलो वजन होना चाहिए। अगर कतई 40 किलो से कम हुआ तो बेटी आप कल को चोर डकैतियों को कैसे पकड़ोगे, चोरनियों को और डकैतियों को। आजकल महिलाएं भी खूब अपराध कर रही हैं, किसी गांव में कहीं पर कोई झगड़ा फसाद हो गया, कहीं पर किसी और प्रकार का अपराध हो गया, मर्डर वर्डर हो गया, किसी महिला ने मर्डर करा दिया, तो फिर तुम कैसे उसको पकड़ोगे अगर तुम 40 किलो से भी कम की हुई। तो बेटी पुलिस वाली हो तुम, तुम्हें तगड़ा वजनदार एक गुच्छ मार दिया, मतलब घूसा मार दिया, तो जो अपराधी है वो बैठ जाए। मतलब ऐसे नहीं कि अपराधी वो तंगड़ी सी कोई गांव की महिला अपराधन तुम उसे पकड़ने गए और तुम्हें वो तुम्हें पकड़कर वो भगे जा रही है खेतों की ओर को, तो उस तुम पे वो रुक नहीं रही, तो ऐसी पुलिस वाली बनने का क्या फायदा बेटी। इसलिए वजन पे विशेष गौर करना, 40 से कम हुआ तो मुश्किल है, इसलिए खाओ पियो दूध दही खूब बढ़िया वजन, और उतना भी मत कर लेना कभी तुम्हें धक्का मार के उठाना पड़े। मतलब ऐसा होना चाहिए देखो कि भाई तुम उत्तर प्रदेश पुलिस की एक महिला पुलिस वाली हो, मतलब लगे ऑरा वाइब्स हो बेटा कुछ ऐसी मजबूत, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। अब जैसे आप डॉक्यूमेंट, यहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी साथ ही होगा, इसी के साथ साथ डीवी भी होगा याद रखिएगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ सामने एक ऐसी लिस्ट लग जाएगी, के लोग क्लियर किए, ये लोग क्लियर नहीं किए, ये लिस्ट लगते उसे लिस्ट देख के आगे कि हाँ जी हमारा सब कुछ क्लियर है। उसके बाद में फिर 3-4-5 दिन के बाद में, ज्यादा समय नहीं मिलता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रनिंग में, 4-5 दिन का समय, 3-4 दिन का समय मिलता है,
तो फिर आपके एडमिट कार्ड अपलोड होंगे, उस एडमिट कार्ड को आप निकालोगे तो आप क्या चले जाओगे दौड़ के लिए, ऐसे छाती पे चेस्ट नंबर से बांध दिए जाएंगे और तुम्हें मैदान में खड़ा कर दिया जाएगा 100-200 को एक साथ, 100 से 150 हो सकते हैं, कम भी हो 75 से 100 भी हो सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी 60,244 है तो इसमें लाखों की संख्या में 1.5-2 लाख बच्चे बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद में दौड़ भाग के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत कम बच्चे फेल होते हैं, हाँ कुछ लोग हाइट वगैरह में, तो वो कुछ जैसे हाइट कम है लड़कों की 168 से, लड़कियों की 152 से, तो वहां पे कई लड़के आपको ऐसे मिलेंगे चांद में इंटोरा मार रहे होंगे कि चांद सूझ जाए बड़ी हो जाए। एक तो मेरे समय पे SI पे मिला, उसने बालों में मेरे ही बुलंदी शहर का नाम खराब करवा दिया, उसने बालों में मेहंदी लगा रखी, बहुत मारा मेरे सामने पुलिस वालों ने, भाई बहुत मारा, ऐसा कोई काम मत करना, बहुत मार लगती है, पहले मारते हैं, और वो सारे रिजर्व पुलिस लाइन वाले होते हैं, उन पर कोई काम नहीं होता, उन पर होता तोड़ाई करेंगे, उन्हें मौका कम मिलता है, बहुत मारते हैं, ऐसा कोई भी उन्हें मिल गया। उसके बालों में मेहंदी, उसने पूरी मेहंदी से ऐसा गुच्छा सा बना रखा कि उसने 1.5 सेंटीमीटर हाइट ऊंची कर रखी, सब बहुत मारा। एक मैंने देखा वहां पड़े साइड में इंटोरा मार रहे, इंटोरा मतलब ईंट धईंट धईंट, क्या चांद फूल जाए ऊपर, तो इस सब से काम नहीं चलेगा, नेचुरल हो, मान लो इसमें नहीं हुआ हाइट की वजह से, और बहुत सी नौकरी है, अपनी चांद को क्यों फोड़ना। तो फिर आपको बुलाया जाएगा, बढ़िया आपने दौड़, अब इसमें ऐसा मत समझना कि सबसे पहले निकल जाऊंगा, पहले एकदम हिरन बन गए, नहीं भैया, 10 जो लड़के होते उनको साथी 400 मीटर के 10 चक्कर, कितने मीटर के 400 मीटर के 12 चक्कर, 4800 मीटर मतलब 4.8 किलोमीटर, लड़कियों को साथी 400 मीटर के बच्चा 6 चक्कर, ठीक है कितने हो गए भैया 2400 मीटर हो गई, लड़कों को 25 मिनट में, लड़कियों को 14 मिनट में, इसमें कोई कैटेगरी वाइज छूट नहीं है, सबको एक जैसी, तो सभी पुरुषों को 25 मिनट में 4800 मीटर, 400 मीटर के 12 चक्कर, और महिलाओं को 400 मीटर के 6 चक्कर, मतलब 2400 मीटर 2.5 किलोमीटर से थोड़ी कम 14 मिनट में। अब क्या करो, इसके लिए छल्ले ले लेते हैं, छल्ले समझते हो ना, रबड़ के छल्ले जो होते हैं, रबड़ के छल्ले नहीं होते जैसे बचपन में बालों में जो मम्मी लोग लगा देती थी, छोटे छोटे छल्ले से नहीं आते रबड़ के, वो वाले। तो क्या करना कि 10 की जैसे लड़के तो 10 की 10 उंगलियों में छल्ले डाल लेना, लड़कियां आप 6 उंगलियों में छल्ले डाल लेना। लड़के क्या करना, शुरुआत के 2 चक्कर तो याद रहेंगे, पहला चक्कर दूसरा चक्कर, तब तक कोई छल्ले मत गिराना, तीसरे चक्कर से छल्ले गिराते रहना, यह बहुत अच्छे से याद रखना। कभी लोग एक चक्कर ज्यादा मार देते हैं, कभी लोग एक चक्कर कम मार देते हैं, इसमें बहुत सावधानी। तो मेरी ट्रिक वही थी, 10 छल्ले मैंने डाल लिए थे, बढ़िया एकदम फ्रेश होके एकदम दौड़ के लिए तैयार रहते, और कुछ फालतू क्या, कोई दवाई गोली मत खाना, इतनी गर्मी है। पता चले कि गए थे कांस्टेबल बनने, और वहां से 5-10 कांस्टेबल तो मैं लेके आ रहे हैं कि जी क्या हुआ, कि जी बेहोश हो गया लड़का तो या लड़की, तो ऐसी कोई फालतू की चीज खाने की जरूरत नहीं है, दूध दही गांव का सादा भोजन मारो, 1 लीटर सुबह दूध, 1 लीटर सांझ दूध, और बीच में सवेर को टाइम मिल जावे तो अध चली, 1.5 लीटर छाछ अध चली, समझते हो ना, मिला के पुदीना की चटनी सी, और सवेरे को रात को भिगो दिए बादाम, सुबह को, ये सब मेरी डाइट थी, ऐसी दौड़ मारी मैंने 1 मिनट पहले। चलो ये दौड़ हो जाएगी, दौड़ के बाद में साथी एक फाइनल मेरिट आती है। तो मैंने सब कुछ बता दिया, मेल 4800 मीटर 25 मिनट में, फीमेल 2400 मीटर 14 मिनट में, और साथी लड़कियों की कम से कम 40 किलो, बहुत सी ऐसी बहनें होती हैं जो प्रेगनेंसी में होती हैं, तो बेटा आप लोग परेशान नहीं मत उठाना, कहीं कोई और तबीयत खराब हो जाए, मतलब जो प्रेगनेंसी में है महिलाएं उनको दौड़ करनी नहीं चाहिए, यह सुझाव भी होता है, वहां पे लिखा हुआ, आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो मैंने हाइट वगैरह का सब कुछ बता दिया, अब साथी आ जाती है तैयारी की बात, केवल इससे नहीं होगा, तैयारी से भी। तो साथी जो एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर महाभारत बुकलेट है जो कि आपके घर पर भेजी जा रही है मात्र 249 रुपए में, इसमें साथी सारे सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, लगभग लगभग ऐसा मान लीजिए 3500-3600 के करीब, 4000 के करीब मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन है, इसमें 17 प्रीवियस ईयर है, तो आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं मानसिक अभिरुचि भी, और बहुत अच्छा फीडबैक है, बहुत अच्छे से 110 से 120 क्वेश्चन आपको इसी में से सीधे दिखाई दे सकते हैं। पहली चीज ये कहां पर है, एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर।
इसी एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर हिंदी हो या साथ ही जीके सब्जेक्ट हो, इसके टेस्ट सीरीज वाले पोर्शन में जाकर आप फ्री यहां पर देखोगे जीके सारथी टेस्ट सीरीज लगा सकते हो चैप्टर वाइज, और चाहे तो साथ ही हिंदी की भी आप चैप्टर वाइज फ्री टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। ये सब एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर है। बहुत से बच्चे थ्योरी के नए बैच की मांग कर रहे थे, तो बच्चा थ्योरी का नया बैच तब आएगा जब अब डेट अनाउंस हो जाएगी, उसका नाम पड़ेगा ब्रह्मास्त्र। उसका नाम क्या पड़ेगा?